दरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 को लेकर अहम बैठक होनी है और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद की फिर से ताजपोशी को लेकर औपचारिक रूप से मुहर लग जाएगी। इसके बाद कल यानी कि 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी होगी। जनता का अपार समर्थन मिलने के बाद जिस तरह से आभार व्यक्त किया जाएगा, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, भव्य तरीके से सीएम की ताजपोशी की जाएगी, इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे तमाम बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, विपक्षियों को भी यहां पे निमंत्रण भेजा गया है। हर चौक चौराहे पर, सड़क के पूरे एक एक कोने पर बीजेपी के झंडे लगा दिए गए हैं, दुल्हन की तरह सजाया गया है, झालरों से पूरे रास्ते को, रूट को सजा दिया गया है। जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे लेकर इकाना स्टेडियम तक का पूरा रूट सजा दिया गया है, झालर से सजाया गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। कल रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। अगर बात करी जाए मेहमानों की तो कई मेहमान हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सिर्फ नेता या फिर विपक्षी नेताओं को ही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को और साथ ही बॉलीवुड स्टार्स को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि उद्योगपतियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। टाटा ग्रुप से इंद्रशन शेखरन, अंबानी ग्रुप से मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला जैसे तमाम बड़े चेहरों को इस बार न्योता भेजा गया है। तो सभी के कल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो वही इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे हैं और हमारे साथ दोनों संवाददाता लखनऊ से मौजूद हैं। हमारे साथ अजहर खान और विभांशु मणि त्रिपाठी दोनों ही जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जहां हमारे साथ विभांशु एयरपोर्ट से जुड़े हैं तो वहीं अजहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काला स्टेडियम से। विभांशु, जिस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, कई वीवीआईपी को निमंत्रण भेजा गया है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार अपनी सरकार में, दूसरी सरकार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसको 2.0 नाम दिया गया है। और वही आपको बता दें कि तैयारियों की अगर बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकाना स्टेडियम में, जहाँ ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि इकाना स्टेडियम को पूरा सजा दिया गया है दुल्हन की तरह से, साथ ही साथ भाजपा के झंडे और जो बधाई संदेश है उससे पटा हुआ है स्टेडियम, और साथ ही साथ हर एक जगहों पर पोस्टरों से बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। वही आपको बताना चाहेंगे कि जो सुरक्षा के साथ साथ जो वीआईपीओ के इंतजाम है, चाहे सड़कों की सफाई हो, चाहे बात की जाए यातायात के जो सुविधाएं कल दी जाएंगी, यातायात विभाग की तरफ से जो रूट मैप है उस पे तो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त तंत्र किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि आज के जो विधायक दल के बैठक के बाद विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चार बजे चुना जाएगा और 273 विधायकों के समर्थन पेश करने की बात की जा रही है राजभवन में, जिसमें 12 आप अपना दल के होंगे और 6 निषाद पार्टी के होंगे। वहीं भाजपा को अगर टोटल ऐड किया जाए गठबंधन को 276 के करीब आता है, तो 276 विधायक कल आज 4 बजे आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और कल यहां पे वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। जी अजहर, आप एयरपोर्ट पे मौजूद है, कल कई बड़े उद्योगपति, सितारे, वीवीआईपी यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है बीजेपी द्वारा, किस तरह से एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा सभी अति विशिष्ट मेहमानों को, और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है एयरपोर्ट पे? बिल्कुल, कुछ आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उद्योगपति और तमाम फिल्मकारों को आमंत्रित किया है। उसके अलावा आपको बताते चले तरीके से आज लगभग 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह जी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के चौधरी भारत एयरपोर्ट पर, जहाँ पर हम आपको तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। ये वो गेट है जहाँ से मुख्यमंत्री अमित शाह लगभग 4 बजे यहाँ से निकले हुए और किसी रास्ते से होते हुए वो लोक भवन पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मौजूद।
मौजूद रहेंगे और तमाम तरीके के जो विशाल विमर्श हो गए हैं इसके मोहर लगने के बाद लगभग 5 बजे राज्यभवन राज्यपाल से मिले। जी विभांशु, पीएम नरेंद्र मोदी भी कल जब आएंगे तो उनके रूट का क्या क्या कुछ तैयारी करी गई है? जिस तरह से कई वीवीआईपी आने वाले हैं तो रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। पीएम के रूट की बात करी जाए तो कहां पे हेलीपैड बनाया गया है, कहां से कहां तक वो अपने हेलीपैड हेलीकॉप्टर से जाएंगे, उसके बाद उनका जो रोड का रूट होगा वो कौन सा रहने वाला है? बात करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी आपके एयरपोर्ट से यहाँ तक एयरपोर्ट आएंगे अपने विशेष विमान से, एयरपोर्ट से उन विशेष हेलीकॉप्टर से वो इकाना स्टेडियम आएंगे। आपको बता दें कि स्टेडियम के ठीक पीछे आपके फुटबॉल ग्राउंड में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तमाम के साथ तमाम वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर भी उतर सकेंगे। तीनों हेलीपैड पे अगर बात करें तो रक्षा मंत्री और अमित शाह की बात करें तो रक्षा मंत्री है कि आपके राजनाथ सिंह चाहे बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह चाहे बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेंगे। और अगर बात किया जाए तो इकाना स्टेडियम से और आपके एयरपोर्ट तक को पूरे चौराहे को और ब्रिजों पे पोस्टर कलाकृतियां बनाई गई हैं, फूलों और गमलों से सजा दिया गया है। वहीं इकाना स्टेडियम में 5,000 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा भी बनाई गई है और उन 5,000 गाड़ियों के आसपास के जो खाली जगह है उसको यातायात विभाग ने कैप्चर करके और उस पर पार्किंग की व्यवस्था की है। वहीं अगर बताएं तो इस पूरे इकाना स्टेडियम को 4 जोनों में जोड़ा गया है, जिसमें जो बड़े अफसर हैं, नोडल अफसरों को तैनात किया गया है, उनकी जिम्मेदारी होगी। किसी को यहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी की है, किसी को यातायात की जिम्मेदारी की गई है, किसी को फ्रंट गेट एंट्री पे जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे ही तमाम अफसरों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। और वहीं अगर बात करें तो जो विशेष आपके मेहमान आएंगे जो उनको रुकने का भी इंतजाम किया गया है, रुकने के इंतजाम की अगर बात करें तो वीवीआईपी वीआईपी हाउस साथ ही साथ जो भी विभागों के सर्किट हाउस है और साथ ही साथ निजी होटलों में तमाम कमरों को बुक किया गया है और लगभग 10,000 कमरों को पूरे लखनऊ के अंदर में व्यवस्था की गई है कि 10,000 मेहमान रुक सकेंगे। बिल्कुल अजहर, अगर बात करी जाए बड़े उद्योगपतियों की तो उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है, तो ऐसे में जो रूट है वहाँ की सुरक्षा किस तरह से विभाजित की गई है, कौन कौन से बड़े अधिकारी है जिनको पूरे रूट की जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरह से मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं और इन सब तैयारियों के बीच एयरपोर्ट पे आम जनता को किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है? और बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे एयरपोर्ट का जो चौराहा है वहाँ से सिटी पर चौराहा लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ से राइट होते ही सीधा जो रास्ता है वो इकाना स्टेडियम की तरफ गया हुआ है, जिससे शहर का जो यातायात है वो फिलहाल प्रभावित नहीं होने वाला है। लेकिन जब वीआईपी मोमेंट शुरू होता है उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है आम जनता को, लेकिन इसके बाद हम शायद किसी भी तरह का कोई भी यातायात प्रभावित नहीं हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट से जो शहीद पथ का इलाका रास्ता है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से है और उसके बाद वो सीधा रास्ता इकाना स्टेडियम की तरफ जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें तमाम जो उद्योगपति हैं और जो फिल्मस्टार हैं वो कल यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेशन तक के बड़े बड़े होल्डिंग बैनर्स के साथ साथ गमलों का भी स्वीकरण किया गया है। इसके अलावा तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और लगभग 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद वो लोक भवन पहुंचेंगे जहां पर वो तमाम तरह के जो विचार विमर्श कल केजी नेतृत्व में किया था उसके मोहर लगाएंगे और उसके बाद लगभग 5 बजे राज्यपाल से गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे और उसके बाद अपना समर्थन पत्र उन्हें सौंपेंगे। जी अगर बात करी जाए समय की तो क्या सभी का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है कि कौन से नेता किस वक्त आएंगे, वीवीआईपी किस वक्त आएंगे, फिल्मी सितारे किस वक्त आएंगे और जो उद्योगपति है वो किस वक्त आएंगे, क्या सभी का समय भी अलग अलग निर्धारित किया गया है इतने भव्य कार्यक्रम को देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए? अजहर बिल्कुल शिक्षा जी कहना तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो वीवीआईपी है जो बड़े नेता है उनका जो वीवीआईपी गेट से आने वाले हैं जो अपने चार्टर से आने वाले हैं उनकी तो फिलहाल टाइमिंग जो है वो बिल्कुल अलग होगी, लेकिन जो और जो चाहे फिल्म स्टार की बात की जाए चाहे उद्योगपति की बात की जाए फिलहाल उनका तो अभी टाइमिंग का डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन हो सकता है टाइमिंग में आगे पीछा जरूर हो, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम तरीके के जो इंतजाम है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किए गए हैं, तो हो सकता है टाइमिंग में आगे पीछा जरूर हो, लेकिन फिलहाल जो वीवीआईपी है उसकी टाइमिंग
बिल्डिंग में जरूर थोड़ा सा आगे पीछे का समय हो सकता है जी। विभांशु, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो किस तरह का होने वाला है और साथ ही साथ जो एंट्रेंस होगी उस पे किस तरह की सुरक्षा देखने को मिलेगी? जी शिखा, अगर बात करें तो इकाना स्टेडियम की अगर क्षमता की बात करें तो लगभग 50 से 55,000 यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बनाए गए हैं। वहीं अगर देखें तो वीवीआईपी की लिस्ट की बात की जाए तो लगभग 200 वीवीआईपी कुर्सियां यहाँ लगाई जाएंगी, तो स्टेडियम के ग्राउंड के ऊपर लगाई जाएंगी। वहीं अगर देखें तो मेन मंच को जहाँ स्टेडियम के बॉक्स ऑफिस है उसके ठीक सामने स्टेडियम का मंच बनाया गया है, जिसपे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसपे मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम और 40 से 45 यहाँ की जानकारी मिल पा रही है 40 से 45 मंत्री शपथ लेंगे। उसके ठीक सामने पहली रो को मीडिया के लिए बनाया गया है। वहीं उसके ठीक ऊपर थोड़े से ऊपर हिस्से में वीवीआईपी के लिए जगह बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो फिल्म जगत से चाहे बात करें तो उद्योग जगत से चाहे बात करें तो शिक्षा जगत से हर जगत से लोग वहां शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ जो हर यूपी के 75 जिलों से कार्यकर्ता एवं विधायक के समर्थक और विधायकों की बैठने के लिए जो जगह बनाए गए हैं मंच से ठीक बगल में बनाए गए हैं। वहीं आपको बताएंगे कि हर एक जिले से 2 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। उन कार्यकर्ताओं को लगभग जो 55,000 सीट जो स्टेडियम के अंदर में बनी हुई है उसको बैठाने का काम किया जाएगा। और वहीं अगर बात करें तो लगभग आपके 200 के साथ ऐसे भाजपा के संगठन के बड़े मंत्री भी होंगे जो प्रदेश भर से आएंगे, और साथ ही साथ भाजपा शासित जो प्रदेश है जहां भाजपा की सरकार है चाहे गठबंधन से चाहे पूर्ण बहुमत के साथ, वहां से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की बैठने के इंतजामात वीआईपी के ठीक आगे की गई है। जी अजहर, अगर बात करी जाए वीआईपी लोगों के आने की तो आज ही से सबका जमावड़ा लगने वाला है, तो कौन कौन से वीआईपी अभी तक आ चुके हैं और शाम तक किन किन के आने की संभावना है? बिल्कुल शिखा, जैसे कि आपने बताया कि अभी गृह मंत्री अमित शाह लगभग 4 बजे पहुंचेंगे और इसके बाद कई संगठन मंत्री ऐसे हैं जो आज यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बात करें अगर तो वो कल ही यहां पर पहुंचेंगे। और तमाम तरीके से जो संगठन मंत्री हैं वो कई आज यहां पर लगभग 4 से 5 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे लखनऊ। और वैसे तो अगर बात की जाए शेष नेतृत्व की तो गृह मंत्री अमित शाह ही अभी फिलहाल यहाँ पर पहुंचेंगे और बाकी जो कल है वो लिस्ट सामने आएगी। जी विभांशु, कौन कौन से ऐसे मुख्य चेहरे हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे? विभांशु आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, तो सभी को निमंत्रण तो भेजा गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कौन कौन से मुख्य चेहरे हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे? जी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल बन के उभरे समाजवादी पार्टी के सीएम फेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इस बार शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होंगे। 2017 में वो अपने पिता मुलायम सिंह के साथ सम्मिलित हुए थे, तो उसमें आपने देखा था कि ऐसे कई सारे ट्रोलिंग हुई थी उनकी, तो इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की तरफ से अब तक निमंत्रण नहीं आया है और इस बार मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा। और वही आपको बता दें कि विपक्ष के प्रमुख विपक्ष दलों के सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, चाहे बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, चाहे बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की, चाहे बात की जाए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की, चाहे बात की जाए राहुल गांधी की, चाहे बात की जाए प्रियंका गांधी की, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की, सबको निमंत्रण भेजा गया है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि कल कौन से वो विपक्ष के दल के नेता शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होते हैं, मगर अब तक मिली जानकारी के अनुसार बस अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण समारोह में आने से इनकार किया है। जी जी अजहर, अगर बात करी जाए तैयारियों की तो जिस तरह से बाकी राज्यों में भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन उन सब से हटकर भव्य बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पे एक इतिहास रचा गया है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि काफी आकर्षित करने वाली है मेहमानों को? बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से जो कार्यक्रम कल का होने वाला है शपथ ग्रहण, वो काफी भव्य बनाने के लिए तमाम जैसे जगहों में देखा गया कि चार जगह और बाकी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार में वापस आए हैं, तो उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जो लोग आमंत्रित हैं वो आपको बताना चाहेंगे देश और प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो या भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो, तो तमाम जो ऐसे बड़े चेहरे हैं वो कल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसके बाद आम जनता की बात करें तो लगभग 60 से 70,000 लोग भी वहां पर
रहेंगे, क्योंकि इस तरीके से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी देखा गया है और उसके नेताओं में भी देखा गया है। तो पूरी तरह से कल ये देखा जा सकता है, एक अलग ही दृश्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस सफेद ग्रहण को या कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है, तो ये कल ये चीजें सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम में तमाम जो बड़े चेहरे में जो शामिल होंगे और सत्ता भी शामिल होगी और कई कर्मचारी भी ऐसे शामिल होंगे। सुरक्षा की तो कौन कौन से ऐसी कंपनियां लगाई गई है सुरक्षा की, जो कि रूट की और सभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी संभालेंगी? बिल्कुल सुरक्षा इस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ साथ आईजी और एयरपोर्ट की बात की जाए तो सीआरपीएफ और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए और हम देश में मिसाइल डिटेक्टर के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम तरह की जो तैयारियां हैं फिलहाल पूरी कर ली गई जी। विभांशु, कई बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई जा रही है ताकि इसकी स्क्रीनिंग हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, हर एक बीजेपी कार्यालय में इसकी स्क्रीनिंग भी दिखाई जाएगी, काना में भी एक बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, इसके अलावा क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ रंगारंग कार्यक्रम या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिल सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान? जिसकी अगर बात करें तो कल के शपथ ग्रहण समारोह पे इकाना स्टेडियम के अंदर में सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा, जिसमें शपथ ग्रहण प्रोग्राम को पूरी तरह से उस पर एलईडी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जिसमें 55,000 जो सीटिंग अरेंजमेंट जो सीट वहां पहले से बनी हुई है उसके जो दर्शक होंगे, जो इकाना स्टेडियम में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके साक्षी बनेंगे, वो वहां से देख सकेंगे क्योंकि वो मंच से काफी दूरी बैठे होंगे, तो स्टेडियम में जैसे क्रिकेट मैचों में होता है कि एक स्क्रीन लगाई जाएगी, ठीक वैसे स्टेडियम में कल शपथ ग्रहण समारोह को एलईडी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। वैसे वहीं अगर बात करें तो 75 जिलों के 75 जो आपके जिला कार्यालय है भाजपा के वहां पे भी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है, और वहीं अगर बात करें तो आपके प्रदेश भर में तमाम ऐसे जगहों पे लगाई जा रही है, जैसे प्रयागराज के हर एक चौराहों पे भी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है, वहीं अगर लखनऊ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का राज्य कार्यालय हो तो वहां पे भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाई जा रही है, और टीवी के माध्यम के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो चौराहे पे अपने जो नेता है उनके इंतजामात के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पे शपथ ग्रहण समारोह देख सकेंगे। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो परिचय है और उत्तर प्रदेश की जो प्रसिद्ध चीजें हैं उनको भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में दिखाया जाएगा एलईडी स्क्रीन पे, जिसको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम है, चाहे बात की जाए टीवी चाहे बात की जाए डिजिटल माध्यम, वो भी उसको कैमरे में कैद करके और टीवी पर प्रसारण कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दोनों संवाददाताओं का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ लखनऊ से अजहर खान और विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे, जिन्होंने हमें पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है, वो चाहे अमौसी एयरपोर्ट हो या फिर इकाना स्टेडियम हो, किस तरह से पूरा तैयारी की गई है और कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है, किस तरह से भव्य बनाया जा रहा है सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह को, तमाम जानकारियां हमें हमारे संवाददाता ने दी है। और आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इकाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे साउंड से लेके बड़ी एलईडी स्क्रीन से लेके जो सीटिंग अरेंजमेंट है सभी का बंदोबस्त कर लिया गया है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि खुद सभी चीजों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हुई हैं इसमें कई बड़े चेहरे आने वाले हैं, सुरक्षा का इंतजाम सही होना बहुत ही जरूरी है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इकाना पहुंच सकते हैं तैयारियों का जायजा लेने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।